हैप्पी हूँ, मेरा दांत अभी ऑलमोस्ट सही है, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे नया जिंदगी मिल गया, नहीं तो बहुत चैलेंजिंग था। मैं हर समय फ्रस्ट्रेट रहता था, कभी दीवार को लात मारता था, कभी अपने हाथ को लात मारता था। अभी मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके डेंटल इम्प्लांट्स फेल हुए हैं, अगर आप निराश घूम रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसा एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मिस्टर अनूप करके जो मेरे पेशेंट है, दो बार इनको डेंटल इम्प्लांट्स करके प्रॉब्लम आया था, दोनों बार फेल हुए। उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोन ग्राफ्टिंग किया था, वो फेल हुआ, और फिर लकीली उनको बेसल इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला और वो हमारे पास आए, और आज उनका फॉलोअप विजिट है। इनका काम करके करीबन दो तीन महीना की दो महीना हो गया है, और आई थिंक ही इज नाउ वेरी हैप्पी। अभी मैंने उनको चेक भी किया थोड़े टाइम पहले, बहुत ही अच्छा जा रहा है इम्प्लांट उनका। सबसे पहले तो उनका एक स्माइल दिखा देते हैं। अनूप जी का आगे का दांत का प्रॉब्लम था, अनूप जी खाली एक स्माइल खाली था, ये देखिए इतना बेहतरीन। अगर आप देखेंगे ये इम्प्लांट टूथ है, इतना बेहतरीन सेट हो गया बाजू के दांत के साथ। थोड़ा मैं नजदीक ले चलता हूँ, ये देखिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़े से कोई भी पेशेंट के लिए निराशा वाला बात है कि वो इम्प्लांट्स करवा रहे, वो बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था। फिर उनको फोर्स किया गया था कि आप सिर्फ एक डेंचर पहनिए। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। अनूप जी थोड़ा क्विकली, हाँ, सबसे पहले आप सबको हाय बता दीजिए, और आपको जो ये दो तीन साल में जो पूरा दिक्कत हुआ उसको क्विकली आप सबके लिए प्लीज अगर आप बताएं, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो निराश घूम रहे हैं। उनको लगता है कि अभी इम्प्लांट फेल हो गया, क्या करेंगे, डेंचर पहनना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यू आर गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ देम। यस, हाय टू एवरीवन, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ये त्रिसार डेंटल क्लिनिक और सर का। सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं इसके पहले 2012 या 13 में मैंने डेंटल इम्प्लांट कराया था, जो कि कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है, जिसमें पहले बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद वो हील होने के बाद फिर नया दांत देते हैं। तो वो मैंने कराया था, वो एक बार नहीं, मेरा तीन बार करीब ऑलमोस्ट फेल हुआ था, दो से तीन बार फेल हुआ था। उन्होंने लगाया फिर निकाला, फिर उससे मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा था इंटरनली, उसकी वजह से कोई उसका साइड इफेक्ट था या जो कुछ था मुझे आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद मैं करीब 2012 से लेकर 2022 10 साल तक मैं डेंचर यूज़ किया, खाने में तकलीफ। अभी जैसे मैं फ्रिक्वेंटली बोल पा रहा हूँ, उसमें बोलने में मुझे जीभ से डेंचर को हमेशा टच किए रहना पड़ता था, क्योंकि डेंचर क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड वो लूज हो जाता है, और उस डेंचर की वजह से वो एक लाइट लेफ्ट साइड में हुक लगाए थे ऐसे, जिसकी वजह से मेरा ये दांत भी खींचा जा रहा था। तो उससे, और सोने में जब आप डेंचर पहन के सोते हो ना, तो जब आप करवट लेते हो वो साइड, तो डेंचर की वजह से आपके दांत के जो गेस्चर है वो भी डिसबैलेंस होते हैं, और उसकी वजह से भी मुझे जब बाइट करो तो मेरा दांत कभी इधर चला जाता था, कभी उधर चला जाता था, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। और मुझे मोटी मोटा क्या है, बोलने में प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम और खाने में प्रॉब्लम। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर मुझे सर का नंबर मिला इंटरनेट से, मैंने रिव्यू देखा, बहुत अच्छा था, आया सर से मिला, सर ने बहुत अच्छा मुझे बताया और ट्रीटमेंट किया। अभी मैं हैप्पी हूँ, मेरा दांत अभी ऑलमोस्ट सही है, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे नया जिंदगी मिल गया, नहीं तो बहुत चैलेंजिंग था। मैं हर समय फ्रस्ट्रेट रहता था, कभी दीवार को लात मारता था, कभी अपने हाथ को लात मारता था। अभी मैं बहुत खुश हूँ। चलो ग्रेट ग्रेट, अच्छा लगा सुन के। सो इफ योर स्टोरी इज सिमिलर टू अनूप, आई होप कि ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो, लेकिन निराश मत होइए, हम लोग सब समझ सकते हैं इनकी तकलीफ की। ये यंग एज में अगर आगे का दांत नहीं मिलता है और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो कितना प्रॉब्लमेटिक है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अनूप मैं आपको हेल्प कर पाया, और आप में से भी ऐसा कोई है जिनको हमारा हेल्प लगेगा तो मेरे नंबर्स मैंने दे के रखे हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। थैंक यू।